अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अमीर अली सब लोग खैर खरीद से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो है ना, अभी पिजन का ना दाना किया है ना पानी किया है। पिजन जो है ना वैसे के वैसे ही है, सारे प्यासे लग रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा आज। तो इनको आज ना पानी देंगे और दाना भी देंगे, तो थोड़ा ठहर के देंगे, अभी नहीं देंगे। तो देख आपको ना थोड़ा थोड़ा शो करवाता चाहूँगा इन्होंने किया क्या था जब मैं आऊँ पिंजरे में। तो इन्होंने ये देखें, ये देखें, इनके ऊपर कैन नहीं थी, कैन वहाँ पर थी, तो मैंने कैन उठा के बाहर रख दी है, उसमें भी मैंने पानी डालना है, दवाई वगैरह मिक्स करनी है। और ये देखें जी, यहाँ पे देखें, इसमें पोली बिल्कुल खाली कर दी हुई है। इसका बच्चा जवान हो गया माशाल्लाह से, A1 हो गया, हेल्दी हो गया, आगे से गुड हो गया। चूज़ों ने और परिंदों ने मेरे बहुत ज़्यादा शौक चाया हुआ है। और वो कह रहे जी हमें कुछ दे दें, या दाना दाना तो इनके पास है, ये देखें दाना फुल भरा हुआ है। दाना तो अल्हम्दुलिल्लाह है इनके पास, लेकिन दाना इसको इनको और भी डालेंगे। तो आज इनको वाइटामिन और कैल्शियम की दोनों मिक्स करके देंगे, और दोनों का मिक्सअप करके देंगे, और इंशाल्लाह देखें रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा उसका। तो जी व्यूवर्स, आपको थोड़ा रिव्यू करवाते जाएँ, रिव्यू करवाने के बाद फिर चलते हैं जी वीडियो की तरफ। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए ये हमारा पिजन, ये वाला देखेंगे, इसमें देखेंगे कोली यहाँ पर फेंक दी है, यहाँ पर मैंने कोली को फेंक दी थी, ये कोली वहाँ फेंक दी है, पानी बिल्कुल नहीं है इसके पास। और इसके पास मेरे ख्याल में है थोड़ा बहुत पानी, लेकिन मुझे ये भी ना लग रहा खाली, ये भी खाली हो गया थोड़ा सा। ये देखें जी, ये बैठे हुए हैं जी पैर, अल्हम्दुलिल्लाह पैर बैठा हुआ है, ब्रीथ कर रहा है माशाल्लाह। ये देखें जी इसने क्या किया, इसने ये अंडा फिर से बाहर निकाल के फेंक दिया, इसका मतलब ये अंडा हो गया जी ख़राब और मेरा हो गया जी नुकसान। ये देखें जी इधर रेड सेल ब्लैक सेल माशाल्लाह से अच्छे जा रहे हैं दोनों, और इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इनको यही लगाना है। और ये देखें जी मेरे पाँव पे बार बार ना ये चोंच मारता है, ताकि मैं इसको ना ये कह रहा कि मैं ना जल्दी से जल्दी ले जाओ और पानी लेकर आओ। तो जी आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं जी ब्लैक टेल, ब्लैक टेल का बच्चा माशाल्लाह देखें बहुत अच्छा जा रहा है। और वो देखें जी उसकी फीमेल बैठी है अंडे पे, मेल देखें यहाँ बैठा है, काफ़ी हेल्दी हो गया। चूज़ों ने देखें जी काफ़ी शोर मचाया हुआ है, ये देखें चूज़ों ने काफ़ी शोर मचाया हुआ है, और ये मुझे चूचे ही मार रहे हैं। किंग का पेड़ आपको बताइए इसका। और बाकी ये है कि आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं जी, ये देखें जी फुल, देखें इसकी पेड़ चेक करें पीछे से, फुल मॉडर्न है, ये मॉडर्न में है। आइए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं जी। ये है जी हमारा ब्लैक टेल, अभी मैंने बाहर नहीं निकाला, 10 मोहर्रम के बाद 11-12 को इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ पर बच्चे शिफ्ट करेंगे, जितने भी हैं ना छोटे छोटे से बच्चे वो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और बहुत ही मज़ा आने वाला है जनाब जीवन। आपको ज़्यादा चलूँ कि यहाँ पे जब मैंने बच्चे शिफ्ट करने हैं ना, तो मैंने बच्चों को रोज़ाना भी बुनियाद पर जब विटामिन बी देनी है ना, तो कमाल हो जाना, कमाल का रिजल्ट आना है, बहुत अच्छा हो जाना। ब्लैक बॉडी वाइट टेल, ब्लैक बॉडी वाइट टेल, मेल यहाँ पे है, फीमेल वहाँ पे है, फीमेल वहाँ पे, और मेल यहाँ पे है, ऐसे ही होता है, अक्सर ऐसे हो जाता है। ये देखिए जी ये पिजन जो है ना, ये सारे बहुत परेशान बैठे हुए हैं, पानी नहीं है इसके पास, तो पानी इंशाल्लाह अभी लेकर आएंगे और इनको डालेंगे। हमारा जी देखें जी, ये देखें बच्चा इनका देखें कहाँ पे आ गया, ये देखें खुद ब खुद चल के आ गया माशाल्लाह से, देखें सेल्फ येलो का बच्चा आ गया, और मेल और फीमेल, फीमेल देखें जी डंडे पर बैठी है, अपनी ताकत पूरी कर रही है। और एक बच्चा वो देखें जी वो बैठा हुआ, उसका ना वो वहाँ पे बैठा हुआ एक बच्चा कोने के अंदर, और इन्जॉय कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा सेटअप, सारा ब्रीडिंग सेटअप दिखा रहा हूँ, जिन जिनने ब्रीडिंग की हुई है, जिन जिनने ब्रीडिंग अभी करनी है वो आपको दिखा रही हूँ। अभी आपको दिखाते हैं जी येलो टेल की, चलो चलते हैं येलो टेल में, देखें जी हमारे जो येलो टेल है ना वो पहले चलते हैं जी रेड टेल की तरफ, रेड टेल का आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाते हैं।
ये देखेंगे हमारा ये बच्चा था रेड टेल का, ये मुझे लगता है ये ना नहीं रहा, अब ये फोटो हो गया। रेड टेल का बच्चा ना जो है ना मेरा मर गया हुआ है। और ये देखें ये रेड टेल का बच्चा ना अभी इस दुनिया में नहीं रहा, चला गया और ये ना मर गया हुआ है। तो आगे चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं आगे चलते जी, आपको दिखाते हैं जी येलो टेल, येलो टेल के बच्चे कैसे हैं वो आपको दिखाते हैं। रेड टेल का बच्चा आपने देखा जी, वो अभी जिंदगी में नहीं रहा, वो मर गया हुआ है। तो ये देखें जी हमारा येलो टेल, येलो टेल की देखिए ये कोली खाली हो गई है। और ये बच्चा देखें जी, इसका भाग भाग के आ रहा है मेरे पास, इसका एक बच्चा वो है पीछे है। वो देखें ये बोर चला रहे हैं, इसे मारते हैं पर अगर इनको तंग किया जाए तो। एक बच्चे एक अंडा निकाला हुआ है इन्होंने और इंशाल्लाह ये वरीदे हैं, माशाल्लाह से अच्छे जा रहे हैं, गुड जा रहे हैं, आगे से बहुत ही अच्छे अंदाज से जा रहे हैं। रेड का बच्चा जी मर गया हुआ है, आपको फिर से बताते चले, रेड का बच्चा ना मर गया हुआ है। अभी जो है ना कुछ करेंगे उसका भी। और बाकी ये है कि आपको बताना था, आज रिव्यू करवाना था, तो रिव्यू करवाने के साथ साथ मुझे ये पता चल गया कि रेड का बच्चा मर गया। अगर मैं अभी मैंने पानी चलना था मुझे, फिर भी मुझे पता चल जाना था, लेकिन मैंने आपको मैंने दिखाने के लिए ना चढ़ा दिखाने के लिए आपको मैंने ये वीडियो बनाने शुरू की है। ब्लैक टेल देखें जी, माशाल्लाह ब्लैक टेल ने दो बच्चे निकाले हैं, दोनों ही दोनों में से एक जो बच्चा ना वो बहुत हेल्दी है और एक बच्चा जो है ना वो इतना को खास हेल्दी नहीं है। तो ये हर बार ना ऐसे ही करते हैं ब्लैक टेल, चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, ब्लैक टेल ऐसे करते हैं, फिर क्या हो गया, हमकी कुछ ना कर लेंगे। जो देखें जी मेल बैठ गए जी कूडे में, पार्ट्स में जमा कर रही हैं, आलमंड का पेड़ आपको दिखा रहे हैं। और अभी ये फीमेल जाएगी वहाँ पे और वहाँ पे जाकर बैठ के अंडा देगी, अगर वो अंडों पर आई हुई तो फिर वो अंडा देगी, वरना वो अंडा नहीं देगी। देखें जी हमारा ये वाइट फैन टेल और येलो टेल है, और इसका बच्चा ये देखें इधर ही बैठा हुआ है दरवाजे के पास। ये देखें जी ये रेड टेल है, रेड टेल है, माशाल्लाह से अच्छा जा रहा है इसके पैर। इसकी ब्राइड लाइन ना थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी, तो मैंने ना मेडिसिन दी है इनको, और मेडिसिन दे के मैंने जो है ना अच्छी ब्राइड लाइन कर ली हुई है, माशाल्लाह से अच्छा हो गया इनका। ये पैर लगा हुआ है, अगर किसी ने लेना तो ले लें, मुझसे रियायत कर दूँगा। देखें जी ये मारने में आपको दिखाया मैंने पहले ये पेड़, और आज गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है क्योंकि टेम्परेचर जो है ना वो ऊपर से ऊपर जा रहा है, और ये मौसम इतना ख़राब है ना ये वाला, इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं चलती और हबस हो जाता है, बिल्कुल हबस हो जाता है, जिससे जो है ना बहुत परेशानी हो जाती है बाद में मुझे। और जो मैं ना जो काम करते हैं ना हम लोग, तो उसकी वजह से ना बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत मसले पैदा होते हैं और बहुत नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है लेकिन इतना फ़ायदा नहीं होता लेकिन इतना नुकसान होता है। और नुकसान जो होता है ना वो आपको दिखाते हैं। पहले मैंने एक ना पेड़ पकड़ा हुआ है, पेड़ आपको दिखाएंगे, ये वाला पेड़ आपको दिखाएंगे, पेड़ को मैंने साइड से पकड़ा है, पीछे से नहीं पकड़ना चाहिए, साइड से पकड़ना चाहिए ताकि इसके पार्टनर ख़राब हो और इसकी ब्लड लाइन भी ठीक रहती है, और इसका जो कोई भी पार ब्लड लाइन वाला हुआ अगर वो टूट गया तो इसकी ब्लड लाइन कमज़ोर हो जाती है और इसकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। आपने कभी भी पीछे से नहीं पकड़ना, आगे से पकड़ने से या साइडों से पकड़ने, साइड वाले पार से पकड़ने, शहर वाले पार का इतना कोई इशू नहीं होता जितना पीछे वाला का होता है। ब्लैक है, हल्की हल्की येलो की शेड है, ऊपर से ही वाइट है, यहाँ से ही वाइट है, यहाँ से ही वाइट है, यहाँ से भी वाइट है। ये जो पीस है ना, ये बंदा अगर मैं बेचने जाऊँ मार्केट में, ये हेड ब्लैक, फ्रंटेल में है ये रंग, फ्रंटेल में ये रंग है लेकिन है ब्लैक, है पूरा ब्लैक है, पीछे से ब्लैक है, साइडों से ही ब्लैक है, और ऊपर से सिर्फ ये थोड़ा थोड़ा सा येलो येलो की शेड दे रहा है। तो इस तरह के जो पीस होते हैं ना वो मार्केट में
कोलियों के बाहर दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये देखें जी, ये पेड़ जो है ना, मैंने लगाया था एक, और इसमें ये पीस निकाले हैं माशाल्लाह से, लेकिन ये पीस बहुत अच्छे हैं, चलते फिरते लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि आपने लिया गाड़ी, गाड़ी को अगर आप गिराज में खड़ी कर दोगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। आप अगर उसको चलाओगे, चला के इस्तेमाल करोगे, फिर आपको वो अच्छी लगेगी। गाड़ी की आपको बता रहा हूँ। ऐसे इनका मसला है पिजन्स का। पिजन्स अगर चलते फिरते रहे तो अच्छे हैं, ना चलते फिरते रहे साथ जो बैठे हैं, तो फिर बैठे बैठे फिर ये अच्छे नहीं लगते। और ये दादी पेज जो होते हैं ना, ये मार्केट में बहुत कम रेट पे बिकते हैं, बहुत कम रेट पे सेल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये दागी पीस है, इसलिए पूरा पीस ब्लैक नहीं है। क्यों नहीं है पूरा पीस ब्लैक? कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रंग कर देते हैं, रंग कर देते हैं, पक्का वाला, पक्के वाला रंग नहीं मिलता, पक्के वाला रंग ब्लैक वाला वो कर देते हैं कुछ लोग। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? एक नंबर लेने के लिए, ब्रीड एक नंबर लेने के लिए, या वो ऐसा इसलिए करते हैं कि ये ब्रीड बहुत अच्छी हो जाए तो हम भी लगाएंगे कलर। अगर मैं कलर लेकर आया तो मैं भी लगाऊंगा, इतना कोई मसला नहीं है। परिंदों को कलर लगाना चाहिए, निशानी लगती रहती है। आपको मैंने अभी दिखाया जी इसका रिव्यू, इसका रिव्यू थोड़ा सा दिखाते चले हैं आपको, इसकी टेल चेक करवाते चले हैं। देखिए इसकी टेल चेक करें, इसके साइड वाले पार आपको चेक करवाते हैं, साइड वाले पार कितने हो गए हैं इसके। ये देखें जी, एक आपने कितने जाना बस, ये देखें जी यहाँ से कितने, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये देखें 10 पार इसके साइड वाले पूरे हैं। अगर देखिए ये वाले साइड वाले पार 10 हैं तो ये वाले साइड वाले पार भी 10 ही होने चाहिए, ये भी 10 ही होने चाहिए। ये देखें एक दो, देखें जी एक, ये वाला एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पाँच है, ये छः है, ये सात है, ये आठ है, ये नौ है, ये 10 है, ये 11, 10 पार ही हैं इसके बड़े। जो बड़े पार होने चाहिए वो 10 हैं, जो छोटे पार होने चाहिए उसका मुझे पता कोई नहीं है वो कितने होने चाहिए। और मेरा ये फीमेल है यार, ये लगती मुझे फीमेल है, लेकिन जो अंदर से जो इसकी जो जो इसका जो ये हेड शो करवा रहा ना, मुझे इससे लग रहा है कि ये ना मेल है, लेकिन ये गुड़कता नहीं है। गुड़कने की अगर ये गुड़कता नहीं है तो ये मेल है, अगर ये गुड़कता नहीं है तो ये फीमेल है, सॉरी अगर ये गुड़कता नहीं है तो ये फीमेल है। अगर ये गुड़कता है, इसकी आवाज़ थोड़ी सी मोटी है, मोटी है, मोटी समझ लो यार, जैसे कबूतर गुड़कता है, कबूतरी भी गुड़कती है, कबूतरी की आवाज़ थोड़ी सी बारीक होती है, जिससे आपको पता नहीं चलता कि ये पता चलता है कि ये फीमेल है। अभी आपको इसकी टेल चेक करवाते हैं, माशाल्लाह ये देखें इसकी टेल चेक करें। और ये पीस थोड़ा सा जो टैडी है, टैडी में आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा ना कम हो गया इसका ना साइज़, तो साइज़ इंशाल्लाह इनका ना बढ़ जाएगा। मेडिसिन एक देख रहे हैं, इसके इनका साइज़ दुगना तिगना चुगना हो जाएगा माशाल्लाह से, बहुत अच्छे हो जाएंगे सारे कबूतर। एक बंदा आया था मेरे पास, कह रहा था यार तुमने तो इतने अच्छे कबूतर रखे हैं, ये जो कबूतर हैं ये कितने का दे रहे हो? तो मैंने उससे बोला यार भाई हमने लेना तो फिर बात करो, नहीं तो फिर ना बात करो, फिर नहीं मैं बताऊँगा। कहता चलो ठीक है, जब मैं लेने आऊँगा फिर आपने बताना मुझे। मैं चलो ठीक है। तो उसने बोला ये सारे इसको क्या कराते हैं, जितने बड़े बड़े साइज़ हैं मुर्गी मुर्गी साइज़ जितने कबूतर हैं आपके। मैंने कहा यार बस छोड़ो, वो बाद में बताऊँगा आपको, अभी नहीं बता सकता। नहीं जी बस उसको मैंने छोड़ दिया, वो चला गया जी अपने घर की तरफ। और आपको दो तीन कबूतर और दिखाने थे, लेकिन आज टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे लिए, बहुत टाइम शॉर्ट है। मैंने अभी जाना है और जगह भी जाना है, और वहाँ जाके मैंने थोड़ी सी वीडियो बनानी है, वीडियो बना के फिर वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और इसके साथ ही जो है ना आपसे चाहूँगा इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें।